जिसमें उनकी दोनों बाइक सीज होती होती बची है। सो गाइस सबसे पहले आप क्लिप ही देख लो। पुलिस आ गई जी सर। सर यहाँ से नीचे गिर जाएगी, नीचे उतार लेता हूँ, नीचे उतार लेता हूँ। सर हम बस सर नॉर्मल ऑफ रोड करने के लिए आए हुए। सर जेके मीडिया के चैनल से एक वीडियो आउट हुई है जिसमें वहाँ पे बताया गया कि आलियान ब्लॉक की जो दोनों बाइक है वो दोनों सीज हो चुकी है। तो सबसे पहले आप क्लिप भी देख लो। ये जो बाइक है इसके ऊपर लिखा हुआ है आलियान ब्लॉक, ये भी मोटरसाइकिल आलियान ब्लॉक से लिखा है, इसके भी आलियान ब्लॉक। और जो दूसरा बाइक है वो भी आप देखेंगे यहाँ पर भी कोई नंबर प्लेट नहीं है, पीछे कोई नंबर प्लेट। और गाइस यार आलियान ब्लॉक की इंस्टाग्राम से स्टोरी भी उठी है, उन्होंने बताया कि मेरी दोनों बाइक सीज हो चुकी है। ये आपको सामने स्टोरी दिख रही होगी। आलियान ब्लॉक को शर्म क्यों नहीं आती, कितनी बार हमने समझाया कि ये छपरी गिरी और स्टंट बाजी इस चैनल पे नहीं चलने वाली। कितनी बार बोल रहे हो आशा चलाएगा बाइक ना स्टंट बाजी छपरी की ना, कि अगर आज दोनों बाइक सीज होगी निकलता है अब। सो गाइस जो नेक्स्ट अपडेट आ रही है वो आ रही है आमिर भाई की साइड से। गाइस आमिर भाई के चैनल से गाइस एक वीडियो उठी है गाइस जिसमें आमिर वापस जम्मू आ चुके हैं। और गाइस आमिर भाई कावासाकी जम्मू से गाइस उन्होंने बताया कि मैं अपनी ड्रैगन को वापस लेने वाला हूं। तो सबसे पहले आप क्लिप ही देख लो। कावासाकी में भाई एंड ये रहा मेरा भाई अपना पुराना दोस्त, हमें मालूम ही नहीं था मैं कावासाकी में मिल पा रहे हो भाई। ये मेरे को दिखाई थी सोम भाई ने, स्टॉक बाइक है, फुल फुली लोडेड है बट स्टॉक एग्जॉस्ट के साथ। इसने सोम भाई ने मुझे भेजी थी, इसमें स्टीयरिंग डंपर भी लगा। देखो सो गाइस आमिर भाई ने हेट्स पर रिप्लाई करते हुए कुछ कहा था। सबसे पहले आप क्लिप भी देख लो। क्या लग रही है ना, इस गाड़ी को देखना सारे खुश हो जाते हैं, कुछ खुश हो जाते हैं, कुछ जल जाते हैं, समझ नहीं आती उनको ना, वो हैंग हो जाते हैं कि भाई यार ये बंदा अभी तक जिंदा कैसे है यार, इसे तो मर जाना चाहिए। बुरा सोचते हैं दूसरों के लिए, बुरा करते हैं, बट हमने कभी किसी का बुरा ना सोचा, ना कभी किसी का बुरा किया। होपफुली जितनी भी चीजें हैं सब ऊपर वाला देख रहा है, वही क्लियर करेगा, हम कुछ क्लियर नहीं कर सकते। सो गाइस जो नेक्स्ट अपडेट आ रही है वो आ रही है UKG7 राइडर की साइड। UKG7 राइडर की गाइस फाइनली घर में डुगाटी आ चुकी है। और गाइस UKG7 राइडर ने डुगाटी को ड्राइव भी की। तो सबसे पहले आप क्लिप ही देख लो। ओ भाई 100 तो ऐसे पहुंच रही है, एकदम 100 पे गाइस, एकदम 100 पे। UKG7 राइडर कह रहे हैं जो मेरा डुगाटी है वो इंडिया की पहली डुगाटी है। लेकिन बैरन अल्फा की साइड से एक वीडियो आउट हुई है जिसमें उसने कहा कि आज UKG7 राइडर जो है वो झूठ बोल रहा है, किसी और के पास भी ऐसी डुगाटी है। सबसे पहले आप क्लिप भी देख लो। नई गाड़ी लेना भगवान करे तो मैं बहुत तरक्की मिलेगा, लोगों का चूतिया मत काट, तेरी डुगाटी पहली डुगाटी नहीं है, ये रहा उसका प्रूफ। कि 3 अप्रैल को NPM मशीन्स ने उसको मैसेज करके पूछ लो ना, जो तुम अंधी जनता हो उसकी, उसको मैसेज करके पूछो उस बंदे को भाई तेरी डुगाटी V4 कब की है। डुगाटी V4 भी है, फैट बाइकर ने ली हुई है, वो V4 है, वो मैंने आज उससे बात करी कंफर्म करने के लिए, पर दूसरे बंदे के पास तो V4S है। 3 अप्रैल को निकली है, आज 14 मई हो गई है, तो तेरी डुगाटी पहली कैसे हो सकती है 2023 मॉडल। मुझे समझ नहीं आती है UKG7 राइडर को शर्म क्यों नहीं आती। पहले तो 500 रुपए लेके बंधु को बुलाता है, फिर उसके बाद तू बोल रहा झूठ बोलता है भाई, अपनी ऑडियंस को पागल बनाता है भाई। तो मेरे पास डुगाटी है, वो किसी के पास डुगाटी नहीं है, बैरन अल्फा झूठ बोल रहा है। जो नेक्स्ट अपडेट आ रही है वो आई आमिर भाई के सब्सक्राइबर की साइड से गाइस। सो गाइस आपको पता होगा आमिर भाई अपने गाँव में चले गए थे, आमिर भाई के किसी सब्सक्राइबर ने गाँव में उनसे मिलने के लिए गया। सो गाइस उन्होंने बताया कि आमिर भाई बहुत ही ज्यादा सैड है, आमिर भाई ने उनको वीडियो भी नहीं शूट करने दी। सबसे पहले आप क्लिप भी देख लो। सो गाइस फाइनली आमिर भाई से मिले, तो ऑन कैमरा नहीं आ पाया, आपको पता है बहुत बुरी कंडीशन है इस टाइम, काफी परेशान है वो, तो फोटोज वगैरह खींचे, काफी बात की, काफी अच्छा लगा। तो बाकी फोटोज वगैरह चेक कर रहे हैं अपने भाई, तो काफी खुश हो गए इस टाइम। तो गाइस यार मैं यार दिल से सल्यूट है इस बंदे के लिए, ठीक है, दिल से सल्यूट है, डाउन टू अर्थ का बंदा, ठीक है। हमें कम से कम आधा घंटा हो गया इधर, तो काफी बातचीत की, हमें समझा रहे थे ऐसे अपनी वीडियोज वगैरह बनाओ, काफी मेहनत करो, तो काफी कुछ समझाया भाई ने यार। नेक्स्ट अपडेट है वो बहुत ही ज्यादा सैड अपडेट आ रही है। जम्मू का एक JK06 राइडर करके गाइस एक राइडर था, उसकी डेथ हो चुकी है। तो गाइस ये आपको सामने वो JK06 राइडर गाइस द वाइल्ड वॉल्फ का फ्रेंड भी था, वाइल्ड वॉल्फ ने इस बात पे रिएक्ट भी किया। तो सबसे पहले आप क्लिप ही देख लो। यार बहुत ही बैड न्यूज़ है हम सब के लिए, जो मेरा भाई था मतलब ब्लॉगिंग शुभम, हमेशा मेरे साथ पार्टनर था राइडर, उसकी ना डेथ हो गई यार। मतलब अभी ना हम हॉस्पिटल में, ये चेक करो, ये अभी यहाँ से वापस के लिए जा रहे हैं, तो मतलब गलती उसकी नहीं थी, ब्लेनो वाले ने हिट किया हुआ है सामने मोड़ पे, और वो छोटा कोई टीनेज बच्चा था जिसकी वजह से उसका स्कल मतलब पूरा खराब हो गया। मतलब बहुत सारे लोग स्टोरियाँ डालते हैं, मतलब इतने सारे कॉल्स मुझे किए लेकिन कोई भी हॉस्पिटल में यहाँ पे नहीं आया, ना उसका पता किया, और मुझे कॉल्स करते हैं, मतलब इसे आज पता चला कि भाई दुनिया कितनी मतलब ही है। सो गाइस बाकी आप कमेंट बॉक्स में उनके लिए एक रिप कमेंट कर दे रहा, कोई भी बंदा देख रहा है ना, कोई भी राइडर देख। सो गाइस हम उनसे एक ही रिक्वेस्ट, प्लीज आप अपनी जनता के लिए प्लीज आस्था चलाओ भाई यार, हमें कोई स्पीड अप नहीं चाहिए, कुछ कुछ नहीं चाहिए, चाहे वो आस्था चल रहे हैं यार, इस पर हम सबसे रिक्वेस्ट करते हैं प्लीज यार, हमें ना आपकी जान से ज्यादा आपसे कुछ प्रायर नहीं। सो गाइस जो नेक्स्ट अपडेट आ रही है वो है पीर बैगर सैमी की साइड से। सो गाइस पीर बैगर सैमी देहरादून चलेंगे टोरो राइडर के घर। सबसे पहले आप स्टोरी देख लो। निगाहों की धमरा
गाइस यार पीर बाइक के सैमी ने बताया कि जो प्रो राइडर जिस कंपनी का गाइस हेलमेट लगाया हुआ था वो कंपनी मेरे को बहुत ही ज्यादा बेकार कंपनी लगती है गाइस। उन्होंने बताया उस कंपनी को बैन कर देना चाहिए। उन्होंने कहते हो ये कहा यार प्लीज 5000 से कम हेलमेट बिल्कुल मत लो क्योंकि यार आपके जान से ज्यादा कुछ भी मायने नहीं रखता। तो सबसे पहले आप क्लिप ही देख लो। उसका जो हेलमेट था ना वो निकल गया, फट से निकल गया, एक वो जो हिट है ना उसमें निकल गया। हेलमेट हमने उठाया था ना, हेलमेट आपने देखा होगा अगर आप। और ये एमटी का मैं बता रहा हूँ, एमटी जो कंपनी है ना भाई सिर्फ देखने में है भाई, क्योंकि उसका कोई बिल्ड क्वालिटी है नहीं। और गाइस यार पीर भाई के सैमी ने आमिर भाई के ऊपर कुछ रिएक्ट किया है, तो सबसे पहले आप क्लिप ही देख लो। किसी का फैमिली भी वही होगा, मैं उसको ही बोल रहा था क्या हो जाएगा, ये खा छोड़ी जाएगा भाई, नहीं खाएगा ना भाई, थोड़ा बहुत क्वेश्चन वगैरह पूछ सकता है बट भैया। और गाइस यार अगर आप वीडियो देखते थे यहाँ तक पहुंचे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और ये जरूर कमेंट करके दोनों यार आप किसी के फैन हो, हम 100 बार बता चुके कि आमिर भाई के फैन हो, फिर ऐसे करके देखते हो। और हम आमिर भाई को ना दिल से प्यार करते हैं, दिल से प्यार करते हैं। आपके पास कोई ऐसी अपडेट होती है जो हमें ना पता हो, ये सामने हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट शो रहा होगा, ना फॉलो कर देना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी मिल जाएगी, वहां से भी फॉलो कर सकते हो। बाकी मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।